भाई सब नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है, एडवेंचर हो रहा है नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि ट्रैकिंग के साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। आज हमारा दूसरा दिन है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह सुबह यहाँ पे ठंडी है और 11 बजे के बाद से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। कल का हमारा क्या, हमने क्या किया है कुछ भी नहीं पता हमें। कल हम बस से 8 बजे उतर गए थे यहाँ पे, तो छलाल की तरफ हम लोग ट्रैक करने चले गए थे और कम से कम हमने 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक किया था, 10 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर। पैरों का तो ऐसा बन गया था कि बस क्या ही बताऊँ, रात में इतनी अच्छी नींद आ गई थी। उसके बाद फिर हमने रात में रेव पार्टी की वहाँ पर, इसके साथ में कल होली का सेलिब्रेशन किया जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन शूट नहीं कर पाया था क्योंकि कैमरा लेके भी नहीं गया था। फिर मैंने सोचा यार क्या इसमें दिखाऊं, क्या ही दिखा पाऊंगा आपको। तो आज का प्लान हमारा ये है कि हम अभी 11 बज चुके हैं, अब यहाँ से तैयार होकर हम लोग निकल रहे हैं तोश की तरफ और यहाँ से बाइक रेंट करते हैं। वैसे हमारा प्लान था कसोल आने का अपनी खुद की बाइक से, लेकिन हमारे फ्रेंड के चक्कर में वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग बस से आए हैं और अब हम यहाँ पे बाइक राइड करेंगे। बाइक का प्राइस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा और यहाँ से निकलेंगे तोश, वहाँ से हम सनसेट देख के और पूरा कवर करके वापस आएंगे यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, अब मैं इस टाइम 3rd फ्लोर पर हूँ, इस पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रिवर जारी होगी, आपको दिख रहा होगा, और आप सामने का माउंटेन देख लो क्या नज़ारा है। तो हम इस टाइम उस तरफ ही जा रहे हैं, अभी बाइक रेंट पे लेंगे और उस तरफ ही जा रहे हैं तोश की तरफ। और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है अभी यहाँ पे, और रूम्स बन रहे हैं और रूम्स का जो प्राइस है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में 600 रुपीज़ का हमें मिला है। वैसे तो 700-800 रुपये मांग रहे थे लेकिन हमने डिस्काउंट करके 600 रुपीज़ में ले लिया ये रूम। बड़ी मिस्टेक हो गई हम लोगों से, हम लोग होटल से इतनी लेट निकले कि हमको आज बाइक ही नहीं मिल रही किधर भी रेंट पर कसोल के अंदर। एक तो यहाँ पे बाइक सर्विस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, उसके कारण से और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो बाइकें थी इन लोगों के पास वो सारी मॉर्निंग में निकल चुकी है, अब हम लोग बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पर रोड के पास में खड़े होकर। और यहाँ से बस से हम पहले मणिकरण जाएंगे और वहाँ देखेंगे अगर कोई बाइक रेंट पर मिल जाती है तो सोच के निकलेंगे, नहीं तो फिर कुछ और इंतजाम करेंगे। जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये कसोल का डाउनटाउन में सिटी सेंटर है जहाँ से हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ से हमें बस मिलेगी और बस से बैठे हम लोग पहले मणिकरण जाएंगे। भाई लोग बस में बैठ चुके हैं लेकिन खचाखच भीड़ हो रखी है, आप देख सकते हैं आगे पीछे, और यहाँ पे भी ट्रैफिक लग गया है पूरा। आपको एक अपडेट देता चल रहा हूँ कि अगर आप कसोल से, कसोल बस स्टेशन से अगर आप बैठते हैं तोश के लिए तो परसेंट तक बच जाएगी, वहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो वो बाय वॉक आप कवर कर सकते हैं। तो ईच पर्सन जो टिकट है वो 50 रुपये का है, 50 रुपीज़ दो और परसेंट तक पहुँच गया और वहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तोश। जो मज़ा है ना वो अपने आप में अलग ही नेक्स्ट लेवल का है, क्या फुल पावर है। वादियाँ देखो वो वादियाँ,
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं उस विलेज में जहां पे हमें बस ने छोड़ा है, और 1 किलोमीटर ऑलरेडी पैदल चल चुके हैं। अभी यहां से 1.5 किलोमीटर और बाकी है, और आगे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो कितना लाजवाब हो रखा है। मज़ा आ रहा ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा। वो वहाँ पे डैम बन रहा है अभी एक, और ये रिवर है, दो रिवर एक साथ, एक इधर से आ रही है ये वाली और एक उधर से जा रही है, और साइडों में हल्की हल्की बर्फ़ है यहाँ पे आप देख सकते हो। और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो तोश विलेज है जहाँ पे हमें जाना है। तो ट्रैकिंग हमारी ट्रैकिंग अभी जारी है, देखते हैं कब तक कंप्लीट कर पाते हैं। और 5 बजे रिटर्न होना है यहाँ से हमें, क्योंकि लास्ट जो बस है यहाँ की 5 बजे की, और वो टाइम हो रखा है अभी 3:40। तो देखते क्या होता है, नहीं तो टैक्सी करके जाएंगे वापस। गाड़ी ज़्यादा तेज हो गई ना। तो गाइज अभी आपने देखा था हम लोग कार में बैठ गए थे, एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग जब आ रहे थे तो एक गाड़ी आ रही थी, तो भैया ने हमें लिफ्ट दे दी थी, और यहाँ से अभी 1/2 आवर का ट्रैक और है। तो बारिश शुरू हो चुकी है, भाई सब नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है, एडवेंचर हो रहा है नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि ट्रैकिंग के साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आगे पीछे का व्यू आपको दिख ही रहा होगा। फाइनली एक जगह पे पहुँचे, यहाँ से वाटरफॉल 10 मिनट का डिस्टेंस है, और व्यू देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना लाजवाब है। बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और ट्रैक हो रही है, अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तोश, और यहाँ पे इसका मैं एक रेस्टोरेंट में कैफे में बैठे हुए जिसका नाम है पिंक फ्लोट करके कैफे है, और यहाँ से जो व्यू है एक नंबर अमेजिंग व्यू है। और जिन्होंने हमें गाड़ी से लिफ्ट दी थी नीचे से ऊपर नाम है, क्योंकि कार में हम बैठे उन्होंने भाई ने हमें लिफ्ट दी थी, और मैं भी आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो का एंड कर दिया। आपने यहाँ का व्यू देख लिया, कैफे देख लिया, तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम यहीं रुक जाते हैं आज रात के लिए, कल मॉर्निंग में कसोल के लिए निकल जाएंगे। एक्चुअली जिस होटल में हम कसोल में रुके हैं वहाँ के लिए भी हमने पे कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, और कल मॉर्निंग यहाँ से 8 बजे मॉर्निंग में निकल जाएंगे, फिर यहाँ से बाइक रेंट करेंगे कसोल से और मनाली निकलेंगे। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको पसंद आया है लाइक करना, शेयर करना।